हेलो दोस्तों, जी सिंथ म्यूजिका कीबोर्ड लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस लेसन में कि मेजर कॉर्ड किस ढंग से बनाए जाते हैं और कौन सी फिंगर्स उनको बजाने के लिए यूज की जाती है। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। इसके पूर्व के ट्यूटोरियल में हमने सीखा है, जिसे आपने देखा है, कि सी मेजर स्केल कैसे बजाते हैं, राइट हैंड से कैसे बजाते हैं, लेफ्ट हैंड से कैसे बजाते हैं, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हाथ चलाते हैं, ये आपको सिखाया। इसमें आप सीखेंगे हम कि मेजर कॉर्ड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मेजर कॉर्ड बनाने के लिए आपको स्केल मालूम होना बहुत जरूरी है। तो स्केल मालूम होने के लिए मैं आपको बताऊंगा सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल इस ढंग से प्ले होता है। तो दोस्तों, कोई भी कॉर्ड, मेजर माइनर कॉर्ड बजाने के लिए हमको किसी भी स्केल के 5 नोट मालूम होना बहुत जरूरी है। पहले 5 नोट, जिसमें देखिए सी मेजर के 5 नोट, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 नोट हमको पता हो गए सी मेजर स्केल के। अब इस सी मेजर स्केल के 5 नोट में से पहला नोट, तीसरा नोट और पांचवा नोट जब हम इस तरह से एक साथ प्ले करेंगे तो उससे बोलेंगे हम मेजर कॉर्ड। कौन सा नोट? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। तो दोस्तों, हमको ये तो समझ गया कि हम कॉर्ड कैसे बनाते हैं, मेजर कॉर्ड किसी भी स्केल से। तो ये हो गया सी मेजर का स्केल का मेजर कॉर्ड। अब इसमें दूसरी बात ये है कि हम फिंगर्स कैसे यूज करें। तो पहला जो तरीका है वो है 1 2 3, ऐसे फिंगर यूज कर सकते हैं हम। और ये लेफ्ट हैंड में आप यहां भी आप 1 ये 1 3 5, इस ढंग से आप दोनों हाथों से इस ढंग से 1 2 3 फिंगर यूज कर सकते हैं। ये कॉर्ड हो गया। अब इस ढंग से हम दूसरे तरीके से फिंगर भी यूज कर सकते हैं। तो वो फिंगर्स होगी 1 2 एंड 4, यहां पर 1 2 4 फिंगर यूज होगी इस राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे यूज होगी 4 2 एंड 1। तो देखिए दोस्तों, इसको बजाने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे। इस ढंग से हम आगे स्टडी करेंगे इसकी, कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसे बजाते कैसे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसमें फिंगर्स कौन सी यूज की जाती है। और नेक्स्ट जो स्टाइल है फिंगर्स का, वो है 1 3 एंड 5। इस ढंग से हम फिंगर्स को प्लेस करेंगे हमारी। इधर ये राइट हैंड में हो गया 1 3 5, 1 है सी पर, 3 ई और एंड 5 जी। और यहां पर लेफ्ट हैंड पे यूज करेंगे सी नोट पर 5th फिंगर, ई नोट पर 3rd फिंगर एंड जी नोट पर 1st फिंगर। तो इस ढंग से हम कॉर्ड पकड़ सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों, जिससे हम कॉर्ड पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया अभी सी मेजर कॉर्ड बना। अब दोस्तों, मैं आपको यदि बोलूं कि हमको डी मेजर कॉर्ड बनाना है, तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले डी मेजर स्केल के पहले 5 नोट। तो पहले 5 नोट डी मेजर स्केल के कहां से शुरू होंगे? डी नोट से। तो पहले 5 नोट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये डी मेजर स्केल के पहले 5 नोट हैं। तो दोस्तों, 1 उसके बाद 3 और 5। तो दोस्तों, 1 3 5 नोट हो गया। इस ढंग से ये बन गया हमारा डी मेजर कॉर्ड। अब लेफ्ट हैंड से बजाएंगे इसे 4 2 1। ओके, आइडिया क्लियर है दोस्तों आपको। अब मैं आपको फटाक से ई मेजर स्केल का कॉर्ड बना करके दिखाता हूं। ई मेजर स्केल के 5 नोट होंगे 1 2 3 4 5, ये 1 3 5, इधर ये 1 3 5।
में आपको बताऊंगा। अभी आप इस लेसन में सिर्फ ये सीखिए कि हमको मेजर स्केल और मेजर कॉर्ड किस ढंग से बनाना है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी और सीख करके तैयार रहिए, फिर मैं आपको अगला ट्यूटोरियल डालूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।